आज मैं आपको ब्रेड रोल बनाना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से और थोड़ा सा बाजार के ब्रेड रोल से थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि बाजार के ब्रेड रोल में जो मसाला अंदर भरते हैं वो कच्चा होता है, कच्चे आलू वगैरह होते हैं, और मैं थोड़ा सब्जी बना के डालती हूँ उनमें, तो उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ब्रेड रोल का मसाला मतलब सब्जी बनाना, तो गैस का फ्लेम ऑन कर लें, और ये मस्टर्ड ऑयल है, ये सर्विंग स्पून जो होती है वो या टेबल स्पून दो या ये एक सर्विंग स्पून, तो इसको डालने का ढंग में और ये मैंने चार प्याज काटी है और ये आठ आलू है, दो के आठ आलू काट लिए हैं मैंने पतले पतले लंबे पीसेस में, और ये चार प्याज लंबी लंबी काट ली। वैसे किसी भी शेप में आप काट सकते हैं आलू प्याज, क्योंकि इसको बाद में सब्जी बनने के बाद हमको स्मैश करना होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस शेप में कटी हुई है, ये जो आपको इजी लगे उस शेप में काट लें। और ये तेल गर्म होने वाला है और इसमें सिर्फ मैं नमक और हल्दी डालती हूँ, और बिल्कुल सिंपल सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है ये, एक बार ट्राई करके जरूर देखना। ये मस्टर्ड का ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये चार जो कटी हुई प्याज है ये डाल देते हैं, और जो एक कटी हुई प्याज है इसमें ही हम नमक डाल देंगे, जिससे कि ये प्याज जल्दी लाल हो जाएंगी। ये एक चम्मच हमने नमक डाल दिया। प्याज आधी फ्राई हो गई है, अब इनको और ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं है, हम इनमें आलू डाल देंगे, और गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे, और ये एक चम्मच हल्दी डाल देंगे इसमें। ये सब्जी बनने में 8-10 मिनट लगेंगे, पर ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, तो हम इसको ढक के रख देंगे। फ्रेंड्स अब हो गई है 10-12 मिनट, देखते हैं सब्जी गली या नहीं गली। सब्जी अब पूरी तरह गल चुकी है, अब इसको हम गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी सब्जी, जब तब हम स्मैशर से स्मैश करेंगे और फिर ब्रेड के अंदर डालेंगे। इतने में चटनी बना लेती हूँ। ये मैंने हरा धनिया धो के रखा है इसमें, और 4-5 हरी मिर्च है, और 4 टमाटर है छोटे साइज के, और इसमें अब नमक डालूंगी और फिर इसको चटनी बनाऊंगी। अगर आपको चटनी पसंद नहीं है तो आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये लगभग 1 छोटी चम्मच नमक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे। चटनी बन गई फ्रेंड्स, देखो सिंपल सी है बिल्कुल, हरा धनिया हरी मिर्च और टमाटर और चम्मच 1 चम्मच नमक डाला है। ये ब्रेड रोल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर चाहे तो सॉस भी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं सॉस भी, सॉस के साथ खाने से भी। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ब्रेड रोल बनाने। अब कढ़ाई रखी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दो, और इसमें जो हम यूज करते हैं सनफ्लावर का ऑयल वो डालना है। आप जो भी यूज करते हो वो ऑयल या घी वो कढ़ाई में डाल लें। और ये 1 किलो बेसन है, ये स्वाद अनुसार हींग डाल लें, जितना कम या ज्यादा डालना हो वो अपना अपना हिसाब होता है सबका। अगर आप कम खाते तो कम हींग डालें, ज्यादा खाते ज्यादा डालें। और ये 1 किलो बेसन में लगभग 1 छोटी चम्मच भर के नमक और थोड़ा सा और नमक, ये 1 छोटी चम्मच अजवाइन, थोड़ा इसको ऐसे हाथों से मसल के और ऐसे मिला दें। फ्लेम कम करके रख दें, अभी थोड़ी तैयारी करनी है इसलिए।
मैं ये बेसन घोल रही हूँ। अगर आप मिर्च डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हम नहीं डालते मिर्च। तो इसमें मैंने 1 किलो बेसन लिया है, 1 चम्मच मतलब 1/4 चम्मच नमक डाला है छोटी वाली, और 1 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन से हाजमा होता है अच्छा और खाने में भी टेस्टी लगती है। और हींग डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। अब किसी साफ कपड़े से स्लैब को साफ कर लें और इस पे हम ब्रेड रख के उसको काटेंगे। चाहे तो आप चम्मच से भी लगा सकते हैं इसको, आलू की पिट्ठी जो मैंने बनाई है सब्जी, पर मैं तो इनको हाथों से ही लगाती हूँ। पूरा कोने कोने तक लगा देना है इसको। हमारी ब्रेड कट गई है और घी भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। अब हम इनको तलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा घी पहले इसमें बेसन मिला लें, इससे खस्ता और कुरकुरे बनते हैं ब्रेड रोल, बहुत टेस्टी बनते हैं। और बेसन का घोल इतना पतला होना चाहिए, ना ज्यादा इससे पतला होना चाहिए, ना ज्यादा इससे गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ब्रेड को इसमें डिप करेंगे और डालेंगे कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की रेसिपी ब्रेड रोल बनाने की। एक है हरी चटनी जो घर पे बनाई मैंने, और एक है मैगी का हॉट एंड स्वीट टमाटो केचप। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते फ्रेंड्स।